मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को सीबीआई ने राहत दी है। संजय पांडे को बड़ी राहत मिली है और सीबीआई ने उनके खिलाफ अवैध मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। संजय पांडे पर बदउनवानी, घोटाला और फोन टैपिंग का मामला दर्ज किया था सीबीआई ने। ईडी और सीबीआई दोनों मुश्तरका तौर पर इंक्वायरी कर रही थी। संजय पांडे को इस मामले में बाजाब्ता तौर पर सीबीआई के केस में गिरफ्तार भी किया गया था और जब वो पुलिस कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाला था उन्होंने, तो उन्होंने कई अवामी काम किए थे। बता दें आपको कि वो अवामी कमिश्नर के तौर पर मशहूर भी हुए थे। बता दें इस तरीके से संजय पांडे ने कई बदउनवान अफसर और आला अफसरान पर कार्रवाई भी की थी। संजय पांडे 2001 से लेकर 2015 से जो है डिपार्टमेंट से दूर थे और उन्होंने जो है इस दौरान इस्तीफा देकर अपनी आईटी कंपनी तैयार की थी और इसका सरबरा जो है अपने फर्जंद को मुकरर किया था। संजय पांडे ने जो है इस आईटी कंपनी के जरिए जो है ऑडिट की थी और दो स्टॉक ब्रोकर की जो है ऑडिट की गई थी इसमें, और इसमें गैर कानूनी तरीकेकार का इस्तेमाल किया गया था, ये भी इल्ज़ाम है। संजय पांडे पर कई अहम इल्ज़ाम और संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए थे। आईसेक नामी कंपनी जो है वो बेजाब्तगी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाई गई थी, ऐसा जो है सीबीआई और ईडी का इल्ज़ाम था। इस मामले में संजय पांडे पर जो है कार्रवाई की गई थी और ऐसे में जो है उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। संजय पांडे को बाज़ाब्ता तौर पर जेल में जाने के बाद जो है ज़मानत मिली थी और ज़मानत मिलने के बाद अब सीबीआई को जो है इस मामले में कोई भी सबूत नहीं मिले और सीबीआई ने इस केस पर जो है क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर दी है, लेकिन अदालत ने इस क्लोज़र रिपोर्ट को अब तक कबूल नहीं किया है। क्लोज़र रिपोर्ट में ये कहा गया है कि संजय पांडे से मुतालिक सीबीआई को कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। 2001 से लेकर 2015 में जो है संजय पांडे ने बाज़ाब्ता तौर पर आईटी कंपनी तश्कील दी थी और ये आईटी कंपनी ने जो है वो ठेका लिया था और दूसरी कंपनी के इस पर जो है फ़ोन टैपिंग के इल्ज़ाम है और इस कंपनी ने जो है संजय पांडे ने बाज़ाब्ता तौर पर मशीन जो है फ़ोन टैपिंग के लिए इसराइल से मंगवाई थी और वो जो है NSE कंपनी नामी जो कंपनी है उसका फ़ोन टैप किए करते थे। इसमें जो है चित्रा रामकृष्णा को भी जो है कुलीदी मुलजिमा बताया गया था और इस मामले में संजय पांडे की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। बता दें आपको कि संजय पांडे जो है ईमानदार फर्जशनास अफसर के तौर पर माने जाते थे और बम्बई में उनकी जो है काफ़ी बेहतरीन छवि थी। इससे कबल जो है वो कारगुजार DG के तौर पर भी थे। वो पुलिस वेलफेयर से लेकर पुलिस के मसाइल भी हल किया करते थे और अवामी मसाइल को हल करने में दिलचस्पी लिया करते थे। जब वो पुलिस कमिश्नर थे तो अवाम बिला रोक टोक उनसे मुलाकात कर सकती थी और उन्होंने जो है अवाम के लिए अपने दरवाजे को खुला कर रखा था। बता दें आपको कि संजय पांडे एक ऐसे ईमानदार अफसर है जिन्हें जो ना सिर्फ यह कि केस में फंसाया गया था बल्कि अब ये बात साबित हो रही है कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके ये बात को वाजे कर दिया है कि संजय पांडे पर कोई केस ऐसा नहीं था, ना ही उन पर ये इल्ज़ाम साबित होते हैं। जहाँ का इंसाफ की खास रिपोर्ट।